अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपकी उम्र 21 साल है, फिर चाहे आप विवाहित हों या न हों, 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक की आप हैं, तो आप मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना बन सकती हैं। वैसे तो इस समय 1,31,00,000 लाडली बहना बनी हुई हैं, लेकिन दूसरा चरण जारी है, जिनके नाम पहले ट्रैक्टर घर में होने के चलते छूट गए थे, उनके नाम भी जोड़े जा रहे हैं। साथ ही पहले 23 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की बहनों को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अभी महाअभियान चलाकर 21 साल की उम्र कर दी गई है। अब 21 साल की उम्र की बहनें आवेदन कर रही हैं और उनको इसका योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर इस महाअभियान को लेकर आई है। महाअभियान इसलिए क्योंकि प्रदेश की आधी आबादी का इसमें भला होना है, इसीलिए इस योजना को बनाया गया है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बढ़ाना, खुद की सेहत और बच्चों की पढ़ाई पर वो खर्च कर सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की गई है। आपको बता दें कि योजना को शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक 4 किस्तों में 1,000 रुपये डाले जा चुके हैं। 250 रुपये रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को दिए गए थे। इस तरीके से 4,250 रुपये लगभग हर लाडली बहना के खाते में आ चुका है। अब अगर हम बात करें कि अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर महीना वो महीना है जब ये राशि बढ़ाने का वक्त है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर महीने से जो आपकी लाडली बहनाओं को जो खाते में राशि आएगी वो 1,250 रुपये होगी। इसके साथ ही ये निरंतर तब तक 1,250 रहेगी जब तक कि राशि 1,500 रुपये प्रति महीने नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वे संसाधन जुटाकर क्रमिक रूप से इसे 3,000 रुपये प्रति महीने तक ले जाएंगे, लेकिन ये इसके लिए थोड़ा शासन को वित्त का जुगाड़ करना होगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों के जीवन में ये योजना बदलाव ला रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग करके अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में कदम उठा रही हैं, तो कई महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं, कई महिलाएं सिलाई मशीन के जरिए अपना व्यापार बढ़ा रही हैं, तो कई महिलाएं फल के ठेले लगा रही हैं, सब्जी के ठेले लगा रही हैं, आदिवासी अंचल में कई महिलाएं कुटकुट पालन की दिशा में काम कर रही हैं। यही योजना का उद्देश्य था। देखिए, मध्य प्रदेश समेत देश के जो स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े कहते हैं वो ये हैं कि मध्य प्रदेश समेत देश में 54% के आसपास महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार हैं। तो 23% महिलाएं का बॉडी इंडेक्स उनके तय वजन के अनुसार कम है। तो इन आंकड़ों के साथ देखा जाए तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बेहद कारगर है इन आंकड़ों को बेहतर बनाने में, महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधार करने में और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन देने में, पुरुषों पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश की फिलहाल 1,31,00,000 बहनें ले रही हैं और ये पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय है, क्योंकि किसी भी राज्य में महिलाओं की स्वावलंबन की दिशा में उठाई गई ये महती योजना है। उम्मीद है आप भी इस योजना का लाभ उठाएंगे। अगर आप पात्र हैं तो जुड़िए और लाडली बहना बनिए।